Hindi po. Means no. Time ho hai takriban 12:30. Aur thodi galat to ab dekhi pa rahe ho. Chup 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 ho gaya. Dekha baad mein chai to mili nahi. So ice thai tea pi thi. 120 piece ki. Aur donuts. Ek donut khaye the. बस अभी मूंगफली लेके आप मूंगफली खाई यहाँ के तो चाय ना मिले ना मुझे साला जिंदगी में कमी सी महसूस होती जाती है और चाय लगता नहीं मुझे कहीं मिल पाएगी एनीवे तो मैं हूँ मनाली सॉरी मनीला और अब हम जा रहे हैं इंट्रामुरस मेरे साथ मेरी स्कूल की फ्रेंड सारा इसका निकनेम है मोटी हेलो मोटी Hello. Magkano po isa? Fifty ma'am, the pati. Asin. How much? Twenty. Is it mango or? Angel. मैंगो लिया है 50 पीसों का एसीएम थाले में मिलता है 20 बाट का तो देखते हैं ले तो लिया जो बैठने की जगह मिल जाए तो बैठ के चलना शुरू करते हैं तो अभी हम लोग हैं रिजर्व पार्क के अंदर ही और रिजर्व पार्क बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है और सबसे बड़ी बात है कि ये सबके लिए फ्री है तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं रिजर्व पार्क के अंदर ही बना हुआ है चाइनीज़ गार्डन बहुत सुंदर है देखने के हिसाब से तो बस अब हम जा रहे हैं चाइनीज़ गार्डन देखेंगे इसकी एंट्री भी फ्री है तो ये है पूरा चाइनीज़ गार्डन मौसम इतना बढ़िया हो रखा है ना और बारिश हो रखी थी तो यार मस्त ठंडी ठंडी हवा मस्त घूम रहे हैं यार दोनों साइड स्पीकर्स लगे हुए हैं और सब में गाने चल रहे हैं तो यार कॉपीराइट का बड़ा दिक्कत रहता है यहाँ पे बस अभी हम रिजर्व पार्क से बाहर निकल कर ठुक ठुक या जो उसको बोलते हैं जिपनी करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे इंट्रामुरस तकरीबन हम लोग यहाँ 2 घंटे घूम लिए खाने को कुछ बताया हम लोग क्या मिला मैंगो वेंगो मिला था इसके अलावा कुछ और मिला नहीं तो चलते हैं बाहर ये है यहाँ की फेमस जीपनी अगर आप फिलीपींस आओ और जीपनी में ना बैठो ना
तो आप मान के चलो कि फिलीपींस का टूर अधूरा है। जितनी मिल गई और बहुत जबरदस्त बारिश लग रही है, देखो बहुत सही वाली बारिश हो रही है यार। ये जितनी हमें एकदम इंट्रामुरस के गेट के बाहर उतार देगी, तो बस हम लोग पहुंच गए हैं इंट्रामुरस और यहाँ बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं और उसके बाद हम चलेंगे अंदर। मौसम सही लगा हुआ है यार, सावन आ रखा है। सो अभी हम लोग हैं इंट्रामुरस। इंट्रामुरस जो है ना, यहाँ का एक बहुत पुराना हेरिटेज साइट है। ये एक स्पेनिश एक कॉलोनी या कुछ उस टाइप का कुछ एक एरिया बोल सकते हैं आप। तो बस अब अंदर जा रहे हैं और यहाँ की एंट्री जो है 75 पीसोज हैं। या पूरे रास्ते या बैकग्राउंड में इतना म्यूजिक चल रहा है ना कि लगता है मुझे पूरा वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। पूरे रिजार्व पार्क अंदर उन्होंने स्पीकर लगा रखे हैं और गाने जोर जोर से बज रहे हैं। इंट्रामुरस सेंटर है क्या यहाँ? तो खैर चलो चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। सामने झूला सा मस्त लगा रखा है। ये ऐसे झूले यहाँ पर कई जगह देखे मैंने लगे हुए हैं और बगैर आप यहाँ बैठ के फ़ोटो खिंचा सकते हैं। हम चलेंगे अंदर। और देखो भाई, इसकी हिस्ट्री तो मुझे है नहीं पता, हिस्ट्री से तुम पढ़ लेना, चीज़ तुम देख लो भाई। इंट्रामुरस के खंडर है, अमेरिकन बैरक के खंडर। Mom. Mom, yes. Small bomb. तो ये सामने जो फोर्ट सा बना हुआ है, बस यहीं हम जाके आए हैं अंदर। वैसे देखो कुछ भी नहीं है, साइड से हैं फोर्ट के ऊपर का जो वॉकिंग एरिया है, आप उधर जा सकते हो, फ़ोटो खींच सकते हो। इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। खैर जब आए हो तो एक बार चक्कर मार ही लेना यार, और इतना कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 75 पीसोज हैं तो आराम से घुमाना, चिल मार लेना। आज तो क्या पूरे दिन से बारिश लगी हुई है तो मौसम भी ठंडा हो रखा है, पर रास्ते में कीचड़ बहुत मिल रहा है हर जगह। ये छोटी सी झील, ये स्पेनिश कॉलोनी हुआ करती थी एक टाइम के अंदर, अब शायद खंडर पड़े हैं। ये देखो फिलीपींस में भी ना चाइनीज़ लोगों का बहुत अच्छा होल्ड है। यहाँ पे भी आपको चाइना केयर बिजनेसमैन और दुकानदार काफ़ी मिल जाएंगे और यहाँ पे चाइनीज़ भी अच्छी खासी बोली जाती है। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। हो गया हमारा इंट्रामुरस और अब कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं खाने का, क्योंकि यार काफ़ी देर हो गई और 2:30 बजने को हैं अब तो। इंडिया और फिलीपींस में 2.5 घंटे का फ़र्क है। तो बस अब हम लोग आ गए हैं बाहर इंट्रामुरस से और ये फिर एक पार्क सा बना हुआ है यहाँ। मतलब आपको यहाँ फ़ोटो लेने के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स मिल जाएंगे। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ से स्पॉट्स बना रखे हैं जहाँ आप इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ वगैरह बना सकते हैं। झूले हैं काफ़ी तरह के इन्होंने यहाँ पे, और भी रोड के अंदर कुछ क्या बोलते हैं इसको, एक यूनिक चीज़ें बना रखी हैं। जैसे जैसे आएगा मैं बताता रहूँगा आपको। मौसम देखो, मौसम का मज़ा है भाई। यहाँ नहाने का मन था मेरा बारिश में, लेकिन यहाँ के लोग नहीं नहाते,
यही अगर बारिश हमारे विकर्ण में आई होती ना तो अभी हम छत पे जाके मस्त नहा रहे होते। और अब मुझे लेना है सिम कार्ड। यहाँ का सिम कार्ड का भी क्या अलग सीन है, और यहाँ के जो फेमस सिम कार्ड या जिसको बोलते हैं अपन सेलुलर प्राइवेट कंपनी है वो है ग्लोब, अच्छे चलते हैं इसके, सस्ता भी है और कवरिंग जो कवरेज एरिया है वो भी काफ़ी ठीक बताते हैं। तो अब हम जाएंगे ग्लोब के ऑफिस, अब वहाँ से लेंगे सिम कार्ड। पूरा अच्छा खासा मस्त लश लशा ग्रीन, तो ये है यहाँ का ग्लोबल सिम कार्ड। 40 पैसे 40 पीसो 7 GB। भैया सिस्टम समझ में नहीं आया, बाकी ले आया मैं ला के देखता हूँ अब क्या होता है। ये है भैया यहाँ का